Hi, today we are going to discuss about PCOD and PCOS. क्या symptoms होते हैं और क्या इनके prevention होते हैं, आज हम उसके बारे में discuss करने वाले हैं. So, let's know it. PCOD, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर बोलते हैं, इसे कई बार पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोला जाता है. ये बहुत ही कॉमन कंडीशन होती है जो कि 5-10% महिलाओं को अफेक्ट करती है जिनका एज ग्रुप 12-45 वर्ष होता है. सो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज इज ऑल्सो नोन एज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम. दिस इज अ वेरी कॉमन कंडीशन अफेक्टिंग 5-10% ऑफ वुमेन्स इन द एज ग्रुप ऑफ 12-45 ईयर्स. तो इसमें होता क्या है, इस प्रॉब्लम में जो वुमेन होती हैं उनको हॉर्मोन्स जो हैं वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं. ठीक है, आउट ऑफ बैलेंस मतलब कि हॉर्मोन्स एक्सेसिव फॉर्म में रिलीज होने लगेंगे. उसकी वजह से कई सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मेंस्ट्रुअल पीरियड्स जो होंगे वो इररेगुलर फॉर्म में हो जाएंगे, कंसीव करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस वुमेन के लिए जिन्हें PCOD हुआ है. तो इसका प्रिंसिपल फीचर ये होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होता है, इररेगुलर पीरियड्स होते हैं और एक्ने, चेहरे पे एक्ने होने लगेंगे. तो अगर इसको ट्रीट नहीं करते हैं, अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो कई सारी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ हो सकता है, ओबेसिटी का शिकार हो सकते हैं और हाई कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से हार्ट डिसीज़ हो सकती है. तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर जो होता है, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि इसमें जो वुमेन होती हैं उनकी ओवरीज में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से उनका मेंस्ट्रुअल पीरियड अफेक्ट हो जाता है, काफ़ी इररेगुलर हो जाता है, कंसीव करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. साथ में अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस डायबिटीज़ या फिर ओबेसिटी या फिर हाई कोलेस्ट्रॉल जिसकी वजह से हार्ट डिसीज हो सकती हैं. तो इसका ट्रीटमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है. अब उसमें होता क्या, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो PCOD कॉज करती हैं. तो पहली चीज़ तो ये कि जो सेक्स हॉर्मोन्स होते हैं उनमें इम्बैलेंस हो जाता है. सेक्स हॉर्मोन्स, फीमेल हॉर्मोन जो प्रेजेंट होते हैं उनमें काफ़ी सारे चेंजेस आने लगते हैं और जो मेल हार्मोन होता है इसे एंड्रोजन होता है वो ज़्यादा बढ़ने लगता है. ठीक है, स्लाइटली मोर एंड्रोजन. अब ज़्यादा बढ़ने की वजह से काफ़ी सारे बॉडी में चेंजेस देखे जाते हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी क्या चेंजेस आते हैं. इसके बाद में पेशेंट जो है, मतलब जिस भी विमेन को ये हुआ है, ओव्यूलेशन उनमें स्टॉप हो जाता है. ठीक है, ओव्यूलेशन उनमें क्या होता है, स्टॉप हो जाता है. अगर ओव्यूलेशन स्टॉप होता है तो पिंपल्स आने लगेंगे. ठीक है, और फेशियल जो हेयर्स हैं और जो बॉडी हेयर्स हैं वो ज़्यादा ग्रो होने लगेंगे. ठीक है, एंड्रोजन बढ़ रहा है क्योंकि बॉडी में, तो एंड्रोजन मेल हार्मोन होता है, उसकी वजह से चेहरे पे एक्ने होने लगेंगे, ओव्यूलेशन रुक जाएगा, फेशियल हेयर्स साथ में बॉडी हेयर्स भी आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब क्या होता है, अगर हम ओवरी की बात करें तो वहाँ पर फॉलिकल्स होते हैं. फॉलिकल्स आर द सैक्स. फॉलिकल्स क्या है मैं आपको बता देती हूँ. फॉलिकल्स आर द सैक्स विद इन द ओवरी दैट कंटेन एग्स. फॉलिकल आप ऐसे समझिए नॉर्मल भाषा में कि एक टाइप का बैग है जिसमें एग्स रखे हुए हैं. ठीक है, जो, ठीक है, अगर हिंदी में हम ओवरीज को बोलते हैं अंडाकोश. तो जो अंडाकोश होता है उसके अंदर फॉलिकल सैक्स प्रेजेंट होते हैं, उन फॉलिकल सैक्स के अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं. जो अंडा होता है, जो एग होता है, वो नॉर्मली क्या होता है, हर महीने एक एग विमेन रिलीज करती है, वो पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है. तो जो एग रिलीज करते हैं उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन बोलते हैं. अब क्या होता है, अगर पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम होता है तो ये एग जो है वो मैच्योर ही नहीं हो पाते हैं, और मैच्योर नहीं होते हैं तो वो रिलीज नहीं हो पाते हैं. रिलीज ना होने की वजह से वो ओवरी में रहे आते हैं और तो छोटे छोटे सिस्ट, ठीक है, गांठ जो होती है, छोटी छोटी सिस्ट जो होती है वो उसके अंदर बना लेता है. फिर से समझ लेते हैं हम इस चीज़ को. एक महिला हर महीने एक एग अपने अंडाकोश से, अपनी ओवरी से रिलीज करती है. ठीक है, क्या होता है, अगर किसी महिला को, किसी विमेन को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसऑर्डर है,
उसकी वजह से वो जो एग्स हैं वो मैच्योर नहीं हो पाएगा, और मैच्योर नहीं होगा तो वो ओवरी से बाहर नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से वो ओवरी के अंदर सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है, गांठ का फॉर्मेशन कर लेगा सिस्ट का, ठीक है। अब जब उसके अंदर सिस्ट बन गई, एक बनी, दो बनी, तीन बनी, कई सारी सिस्ट का फॉर्मेशन होने लगता है, इसीलिए हम इसको पॉली सिस्टिक ओवरीज बोल देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये फैमिली में देखा जाता है। अगर एक व्यक्ति को, अगर एक वुमेन को उसी सेम फैमिली में पीसीओएस हुआ है, तो चांसेस ज़्यादा होते हैं कि जो बाकी की वुमेन्स हैं उन्हें भी पीसीओएस की परेशानी देखने मिल सकती है, ठीक है। अब इरेगुलर पीरियड्स, डायबिटीज़, ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं पीसीओडी या पीसीओएस वाले पेशेंट्स को। अब आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एक नॉर्मल ओवरी है, एक पॉलीसिस्टिक ओवरी है। तो जो नॉर्मल ओवरी है उसका साइज आप देख सकते हो बहुत क्लियर दिख रहा है, छोटा साइज होता है, ये एक एग पर मंथ रिलीज करती है, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें पॉलीसिस्टिक ओवरी की, तो पॉलीसिस्टिक ओवरी आप देखो कितना ज़्यादा उसका साइज एनलार्ज है। क्यों एनलार्ज है, क्योंकि इसके अंदर एक के बाद एक ओवम या एग जो है वो सिस्ट का फॉर्मेशन करके डिपॉजिट होता जा रहा है। इसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगी कि अगर कोई पॉलीसिस्टिक ओवरी होती है उन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन जो है, काफ़ी ज़्यादा दर्द जो है वो उन्हें फील होता है, और पीरियड्स भी जो होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में आते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी और नॉर्मल ओवरी ये अलग से क्लियरली आपको दिख रही है। तो हम जान लेते हैं कि कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं पीसीओएस और पीसीओडी के। अब बात ये आती है, अगर आपको जल्दी पता चल जाता है कि आपको पीसीओडी है तो वो तो क्योर हो सकता है, लेकिन अगर पीसीओडी आपको नहीं पता चल पाता है और वो बढ़ जाता है तो वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है, पीसीओएस जो है वो इरिवर्सिबल होता है। तो अब देखो, अगर हमें जानना है कि हमें पीसीओडी तो नहीं है, तो पहला सिम्टम होता है हेयर ग्रोथ, दूसरा एक्ने, वेट गेन, फर्टिलिटी प्रॉब्लम, डिप्रेशन, ठीक है, इरेगुलर पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग, थिनिंग हेयर्स एंड स्कॉल्प, एक्स्ट्रा हेयर्स ऑन द फेस एंड बॉडी एंड हेडेक। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये कॉमन सिम्टम्स हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ फील होती है तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके अपनी ये प्रॉब्लम बतानी है, और फिर आपको पता चलेगा अगर आपको पीसीओडी है तो वो क्योर हो सकता है, वो रिवर्स हो सकता है, बट अगर आप इसमें डिले करते हो, देर करते हो, तो वो पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, ठीक है। तो अगर आपको बॉडी में हेयर ग्रोथ दिख रही है, बहुत ज़्यादा एक्ने हो रही है, आप कंटिन्यूसली वेट गेन कर रहे हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे हो, पीरियड्स का रेगुलरिटी बढ़ता जा रहा है, या कभी पीरियड्स होते हैं तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, बाल जो हैं आपके वो काफ़ी पतले होते जा रहे हैं, चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा आपको हेयर्स देखने मिल रहे हैं, और हेडेक की प्रॉब्लम है, अगर इनमें से आपको कोई सिम्टम्स होते हैं देन यू शुड विजिट योर डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल, ओके। अब आपको डॉक्टर के पास कब जाना है दिखाने के लिए, तो कुछ कंडीशंस हैं। अगर आपने अपने पीरियड्स को मिस कर दिया है और आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो इस कंडीशन में, दूसरी अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स देखने मिलते हैं, हेयर ग्रोथ, एक्ने, कुछ भी, तो आपको तब विजिट करना है। तीसरी कि इफ़ यू आर trying to get pregnant from last 12 months and you have been unsuccessful, then is in this condition you should visit your doctor. Fourth, अगर आपको diabetes है, बहुत ज़्यादा भूख प्यास लग रही है, weight loss हो रहा है, या फिर weight gain हो रहा है, दोनों condition हो रही हैं, तब भी आपको doctor को visit करना ज़रूरी है, okay? अब treatment क्या है इसका, हम treatment भी जान लेते हैं। तो इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स या फिर प्रोजेस्टेरोन पिल्स दी जाती हैं, क्योंकि ये फीमेल हार्मोन होता है, तो ये फीमेल हार्मोन दिया जाता है जिससे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलरली होने लगे। दूसरा मेटफॉर्मिन, ये एक मेडिकेशन होता है जो कि बॉडी के अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है और साथ में इम्प्रूव करता है पीसीओएस के सिम्टम्स को, एंड सम टाइम विल कॉज द मेंस्ट्रुअल साइकिल टू नॉर्मलाइज, ठीक है। फॉर सम वुमेन इट कैन हेल्प विद वेट लॉस, किसी किसी वुमेन को ये वेट लॉस में भी मदद कर सकती है। फिर इसके बाद में LH रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, मतलब कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी दिया जाता है, साथ में ट्रीटमेंट विद क्लोमिपीन सिट्रेट दैट कैन कॉज एग टू मैच्योर, एग जो है वो मैच्योर करने के लिए ये ट्रीटमेंट भी दिया जाता है, और फिर मैच्योर होने के बाद में एग रिलीज हो जाता है, और समटाइम्स व्हेन वुमेन नीड दिस और अदर फर्टिलिटी ड्रग टू गेट प्रेग्नेंट।
कभी कभी वुमेन्स को कोई और फर्टिलिटी ड्रग्स भी दी जा सकती हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स, मेटफॉर्मिन, LH रिलीजिंग हार्मोन, फिर ट्रीटमेंट विथ क्लोमिफीन सिट्रेट, ये सारे ट्रीटमेंट जो हैं वुमेन्स को दिए जाते हैं, ये दवाइयाँ जो हैं रेगुलरली लेनी पड़ती हैं। अब PCOD और PCOS में ज़रा हम डिफरेंस समझ लेते हैं। देखिए बहुत ही माइन्यूट से डिफरेंस होते हैं, कन्फ्यूज़न काफ़ी लोगों को क्रिएट हो जाता है, तो हम ये देख लेते हैं। PCOD जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़ बोलते हैं, PCOS को हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम बोलते हैं। PCOD में सिस्ट का नंबर कम होता है, PCOS में सिस्ट का नंबर बढ़ता जाता है। PCOD रिवर्स हो सकती है, बट PCOS में रिवर्स करना बहुत कठिन हो जाता है। PCOD में क्या होता है, बहुत कॉमन और माइनर कंडीशन देखी जाती है। PCOS में फर्टिलिटी इश्यूज आने लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जल्दी डायग्नोस कर लेते हो तो वो PCOD कहलाएगा और उसका ट्रीटमेंट आसान हो जाएगा। अर्ली एज में अगर आपको पता चल जाए जब ओवरी के अंदर कम सिस्ट का फॉर्मेशन है, लेकिन अगर आप इसे लापरवाही करते हो, अगर आप डॉक्टर को विजिट नहीं करते हो, सिम्टम्स होने के बावजूद भी आप लापरवाही करोगे, तो सिस्ट जो है सिस्ट का नंबर बढ़ता जाएगा और फिर उस कंडीशन में काफ़ी कठिन हो जाता है कि उसे रिवर्स किया जा सके और फिर फर्टिलिटी में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। So I will suggest you to visit gynecologist time to time, and if you have any of the symptoms then you should visit your doctor as soon as possible, जिससे कि जो ये PCOD की प्रॉब्लम है वो बढ़ ना पाए आपको और जल्दी से ट्रीटमेंट मिल जाए। ओके, सो दीज आर द रेफरेंसेज फ्रॉम वेयर आई हैव टेकन फ्यू इमेजेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। साथ ही में आप अगर किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हो सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।